हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 9 mm मोज रोज पुटुलाका के पौधे को कटिंग से कैसे लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है कि मेरा पौधा आसानी से लगे और फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से हो, तो इसको कैसे लगाना है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। यह फूल गर्मियों के सीजन का राजा फूल है और इसमें बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होता है, तो छोटे से पॉट्स में भी इसे आप लगा दीजिए और सैकड़ों की संख्या में फूल ही फूल आपको नजर आएंगे। ये फूल पूरे बरसात तक आपको इसी तरह से मिलेंगे। तो दोस्तों, इसे कटिंग से आप आसानी से घर में लगाकर ग्रो कर सकते हैं और इसे लगाना भी बेहद ही। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। इस पौधे को कटिंग से आप आसानी से घर में लगाकर ग्रो कर सकते हैं और ढेर सारा फूल प्राप्त कर सकते हैं। एक सिंगल स्टेम से पूरा आप पुटुलाका का जंगल बना सकते हैं। यानी एक डंडी लगाइए और उसका पुनिंग करके आप बहुत सारे प्लांट्स घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। पूरा जंगल यज्ञ के समान या घना हो जाता है बहुत जल्दी। आपको पुटुलाका का एक डंठल ले लेना है। ये दोस्तों, पुटुलाका का आप कटिंग ले लीजिए और इसके आप छोटे छोटे टुकड़े हाथ से ही तोड़ दीजिए और इसे छोटे छोटे टुकड़े करके आप रख लीजिए और वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए जिसमें पौधे को लगाइए, पौधे अच्छे से लगेंगे। दोस्तों, आपको पुराने गमले की मिट्टी ले लेना है, उसके बाद रिवेट सेंट यानी बालू लेना है, उसके बाद गाय से बना गोबर का खाद ले लीजिए, लकड़ी का राख का ले लीजिए और 2 चम्मच आपको नीम खली ले लेना है। इन सभी को मिक्स करके आप गमले की ताकतवर मिट्टी को बनाकर पुटुलाका के पौधे को लगाइए, पौधे आसानी से लगेंगे। नीम खली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है। तो आपको 2 चम्मच आप लेके पूरा इसी तरह से आपको डाल देने हैं। देखिए दोस्तों, यह बालू है जो कि रिवर सेंट या यूएल ड्रेन का काम करता है। इसे आप ले लीजिए करीब 1/2 किलो और मिट्टी में आप इसी तरह से डाल दीजिए। इससे बना यह राख है जिसमें प्रचुर मात्रा में पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है और जो भी आप मिट्टी में कीट पतंगे लगते हैं सबको यह जड़ से ख़त्म कर देता है। इसका 1/2 किलो ले लेना है। दोस्तों, गाय से बना गोबर का खाद इसमें प्रचुर मात्रा में पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाना है, तो इसका भी आपको 1/2 किलो ले लेना है और गमले की मिट्टी में आप डाल के मिट्टी को बनाइए। उसके बाद पुटुलाका के पौधे को आप कटिंग करके अच्छे से बनाइए। अच्छे से दोस्तों पूरा मिक्स कर दीजिए मिट्टी में। उसके बाद आपकी मिट्टी ताकतवर होगी और इस मिट्टी में आप पुटुलाका के कटिंग को लगाइए जिससे आसानी से लगेगा और कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। अब यह मेरा वेल ड्रेन मिट्टी तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इसे अब हम छोटे से पॉट में भर कर रख लेंगे। आपको जितने भी कटिंग लगाना है, तो हमें अभी 2 गमले में इस कटिंग को लगाऊंगा। तो मिट्टी भर के अच्छी तरह से हमने फिली। उसके बाद जो हमने पुटुलाका के स्टम्प को कटिंग करके रखा था छोटे छोटे टुकड़े में, तो आप एक लकड़ी की सहायता से जो गमले में मिट्टी भरे हैं उसको अच्छी तरह से आप गड्ढा कर दीजिए और जो छोटे छोटे स्टम्प अपने काट के रखे थे सबको आप लगा कर मिट्टी में दबा कर पानी डालकर आप सीढ़ी एरिया में 4 से 5 दिन तक छोड़ दीजिए, जिससे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो यह पौधा खराब हो जाएगा। इसे आप सिटी एरिया में रख दीजिए पानी डाल के। उसके बाद आपके 5 से 6 दिन में इसमें प्लांट्स में आपके रूट नज़र आएंगे। तो जितने भी कटिंग हैं दोस्तों आप गमले में लगा कर रख लीजिए। तो हमने 2 गमले में इसमें जितने भी कटिंग किया था सबको इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट कर लगा दिया और पानी डालकर इसे हमने सिटी एरिया में रख दिया। देखिए कितने सुंदर प्लांट्स मेरा 1 हफ्ते के बाद यह तैयार हो गया है और इसमें रूट भी डेवलप हो गया है। दोस्तों, मैं पानी डालकर आपको दिखा रहा हूँ कि रूट कितने सुंदर आए हुए हैं। देखिए 7वें दिन देखिए हमने इसे उखाड़ कर दिखा रहा हूँ कितने सुंदर मेरे प्लांट्स तैयार हो गए हैं और ग्रो कर गए हैं
और इसमें रूट ही रूट आपको नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, पूरे डंडी का जो हमने कटिंग करके लगाया था उसमें रूट आपको साफ नजर आ रहा है। मात्र 7 दिन में ही यह पौधा आसानी से ग्रो कर गया है। उसका मुख्य कारण यह था कि जो मिट्टी हमने बनाई थी वह मिट्टी वेल ड्रेन थी और उसमें बालू की प्रचुर मात्रा होने के कारण जल्दी रूट आ गया। फिर इसे आप उसी गमले में लगाकर रख दीजिए और यह प्लांट्स आपका घना हो जाएगा और 10 से 15 दिन में इसमें कलियां या फूल आना चालू हो जाए। पानी डालकर आप प्रोपोर्शन लाइट्स में अब उसको रख दीजिए, क्योंकि जितनी मात्रा में धूप मिलेगी प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेगा। देखिए मेरे 15 दिन के अंतराल के बाद पौधा कितना हेल्दी एवं घना हो गया है। दोस्तों इसके घना बनाने के लिए हम इसके जो ऊपर भाग के स्टेज एम है उसको पौधे को पुशी एवं घना बनाने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी ऊपर के स्टंप है सबको आप तोड़कर इसी तरह से तोड़ते रहिए, जिससे आपके पौधे में ज़्यादा ज़्यादा संख्या में ब्रांचें आएंगे और कलियों से पौधा आपका पूरा भर जाएगा। कलियां ही कलियां नज़र आ रही है, मैं देखिए कलियां ही कलियां नज़र आ रही है। दोस्तों आप इसी प्रकार से पौधे को लगाइए और फिर 25 दिन के बाद देखिए कितने सुंदर फ्लॉरिंग इस प्लांट्स में चालू हो गए हैं। तो महीने में एक महीने के बाद आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गाय से बना गोबर का लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और सैकड़ों की संख्या में फूल ही फूल नजर आएंगे इस पुटू लगा के पौधे में। दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से आप पुटू लगा के कटिंग को लगाइए, मात्र 7 दिन में ग्रो हो जाएंगे और 20 से 25 दिन में इसमें सैकड़ों की संख्या में फूल ही फूल आपको पौधे में नजर आएगा। इस पौधे में ज्यादा फूल लेने के लिए आपको क्या करना है, इसे प्रॉपर सनलाइट में रखिए, पानी प्रत्येक दिन दीजिए और गाय से बना गोबर का खाद को आप महीने में एक बार दीजिए और इसमें जो फूल खिल गए हैं उसको तोड़ के आप रिमूव कर लीजिए। उसके बाद आपके प्लांट्स में फूल नजर आएंगे। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप फूल लगा के पौधे को कटिंग से घर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और पूरे बरसात आप सैकड़ों की संख्या में इस प्लांट से फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। आप इसी तरह से फुटू लगा के पौधे का कटिंग लगाइए और पौधे में ढेर सारा फूल पाइए। बाय बाय, टाटा।